मुंगेर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, डीएमएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ निकाला गया फ्लैग मार्च। डीएम ने कहा, असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही नजर और लोगों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में मनाए दुर्गा पूजा। दरअसल मुंगेर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है और पुलिस के आला अधिकारी संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखे हुए हैं। वहीं आज डीएम अवनीश कुमार सिंह, एसपी सैयद इमरान मसूद सहित शहर के कई थानों की पुलिस ने शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च किया। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने को लेकर अपील की गई। वहीं जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा फ्लैग मार्च के दौरान पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर इलाके में और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी निगाह बनी रहेगी। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है और संवेदनशील स्थल सहित सभी पूजा स्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाएं। जी, इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर के मुंगेर पुलिस की जो तैयारी है उसमें हर जगह पे हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे पंडाल हैं वहाँ पे हम लोगों ने लाइजनिंग ऑफिसर को, पुलिस पदाधिकारी को टैग किया है, पूजा समितियों के साथ लाइजनिंग ऑफिसर को टैग किया है। उनका कार्य यही है कि वो जा करके उनको जो दिशा निर्देश हैं, चाहे वो सीसीटीवी को लेकर के हो, फायर को लेकर के हो, भीड़ नियंत्रण को लेकर हो, अन्य सुरक्षा को लेकर के हो, वो सभी उन लोगों से कंप्लायंस करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो जुलूस का लाइसेंस है वो टाइमली हम लोगों को मिल जाए समय के अंदर, वो लोग करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं जा करके, और जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन सबको चिन्हित करके उन सबको हम लोगों ने वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और फोर्स दिया है, दो पाली में दिया है ताकि वो अपना बेहतर ढंग से ड्यूटी कर सकें। इसके अतिरिक्त हम लोगों के 10 कंट्रोल रूम भी बने हैं जो कि 24 घंटे कार्यरत रहेंगे, और QRT का भी गठन किया गया है, और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब भ्रमणशील रह करके इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी सर्वप्रथम तो मुंगेर जिलावासियों को दुर्गा पूजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जैसा कि आपको मालूम है कि दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध है और इसको लेकर के सभी उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज फ्लैग मार्च हम लोग कर रहे हैं। मुंगेर जो शहरी क्षेत्र है और जमालपुर शहरी क्षेत्र है उसके जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, सभी जगहों पर हम लोग जाएंगे, आम लोगों से बात करेंगे और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आमजन के सहयोग से हम लोग इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करें। सभी मुंगेर जिला वासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि दुर्गा पूजा का पर्व चल रहा है और इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। मुंगेर जो जिला है ऐतिहासिक रहा है, यहाँ की धरती ऐतिहासिक रही है और इस पर्व को हम लोग सदियों से बहुत शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं। पुनः आप सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि इस वर्ष भी, वर्ष 2024 में भी इस पर्व को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से तो पूर्ण प्रयास करता ही है विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, परंतु किसी भी समाज में, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में यह पूर्णतः सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें आम जनमानस का सहयोग नहीं प्राप्त हो। विगत वर्षों में भी आप लोगों का बहुत सक्रिय सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता आया है। पुनः मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी आप लोगों का पूर्ण सहयोग हम लोगों को मिलेगा और इस पर्व को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। पुनः एक बार सभी को दुर्गा पूजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।